everyone. I am Kavita Kewat from Little Step School. We read chapter 1, Plant Growing in Number. Most plants produce a large number of seed which germinate and grow into new plants. We can also grow new plants from other part of a plant like stem, root and leaves. आप सभी जानते हैं एक पौधे का जन्म कैसे होता है, एक पौधे का जन्म कैसे होता है, एक सीड से होता है। और सीड से प्लांट बनने का प्रोसेस, पहले आप सीड को क्या करते हैं, भिगाते हैं पानी में, फिर उसे जर्मिनेट होने देते हैं, फिर उसे क्या कहते हैं, सॉइल पर उसे जर्मिनेट के लिए बो देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका एक न्यू प्लांट जन्म लेता है। और सीड से तो प्लांट बनता ही बनता है, और किससे बनता है, आपका स्टेम से बनता है, लीव से बनता है, और रूट से भी आपके न्यू प्लांट बनता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड एंड अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक न्यू प्लांट कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे तैयार होता है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट जो है, आपका स्टेम है, आपका रूट है, आपका सीड है, इससे इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक न्यू प्लांट प्रिपेयर होता है, बनता है। ग्रोविंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। सबसे पहले हम सीड से पढ़ेंगे कि सीड से कैसे प्लांट ग्रो करता है। सीड इज अ स्मॉल हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। जब आप कोई फ्रूट्स खाते हो तो उस फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड होते हैं। जैसे आप ऑरेंज खाते हो तो ऑरेंज के अंदर क्या होता है, सीड होता है। जब आप बेर खाते हो तो उसके अंदर कैसा सीड होता है, बड़ा सा सीड होता है। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के सीड क्या देखे होंगे। ए सिंगल प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड बट ऑल सीड डू नॉट ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स। यानी एक सिंगल प्लांट क्या करता है, बहुत से सीड को क्या करता है, जन्म देता है। लेकिन एक सीड है जो कुछ ही सीड क्या करते हैं, एक प्लांट को जन्म देते हैं। सम सीड आर ईटन अप बाय बर्ड्स, रैट एंड अदर एनिमल्स। कुछ सीड ऐसे हैं जिनको कौन कौन खाता है, आपके बर्ड्स खाते हैं, आपके कुछ एनिमल्स खाते हैं। सम ऑफ देम मे गेट डिस्ट्रॉय बाय विंड एंड रेन। कुछ सीड क्या होते हैं, वैन और विंड से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कई सीड्स ऐसे होते हैं जिनको हवा क्या करती है, उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। और कुछ सीड ऐसे होते हैं, जैसे रेन वाटर जब होता है, जब बारिश होती है, तो वो सीड क्या होते हैं, बहकर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ जर्मिनेट वो नहीं हो पाते हैं। सम सीड डू नॉट ग्रो बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशियंट एयर, वाटर और वार्मथ। यानी एक सीड को प्रॉपर प्लांट बनने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है और सनलाइट की ज़रूरत होती है। जब ये तीनों चीज़ें सीड को नहीं मिलती हैं तो सीड ग्रोथ नहीं करता है। सीड विच सर्वाइव एंड गेट द फेवरेबल कंडीशन ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स। सीड को प्लांट बनने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड। हम स्ट्रक्चर ऑफ यानी सीड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सीड कैसा दिखाई देता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट आर ऑफ डिफरेंट स्पेस एंड साइज एंड सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है। आप जब ग्राउंड नट खाते हो यानी मूंगफली जब आप खाते हो तो मूंगफली क्या होता है, एक कोट से क्या रहता है, कवर रहता है, ढका हुआ रहता है ना। आपने मूंगफली खाया हुआ है तो मूंगफली आप जब उसको सीड कोट को तोड़ते हो तो उसके अंदर क्या निकलता है, आपका नट्स निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। इट प्रोटेक्ट द सीड। ऑन वन साइड ऑफ द सीड देयर इज अ स्कार। यानी सीड एक कवर से ढका हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। और ये कवर कैसा होता है, थिक लेयर होती है और इस एक पॉइंट टाइप का रहता है। जैसे आपने बीन्स के सीड को देखा है, आपने बीन्स का जो सीड होता है वो चारों ओर एक वाइट या रेड कलर के सीड कोट से क्या होता है, कवर होता है। जब आप उसे पानी पर भिगा दो तो वो कवर क्या होता है, पानी से फूल जाता है और आपको एक ब्लैक कलर का पॉइंट दिखाई देगा जिसे हम क्या कहते हैं, स्कार कहते हैं। और यही स्कार के अपर साइड एक टाइनी पोर होता है जो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सीड लीव्स जैसे आप एक चने के दाने को क्या करो, भिगा दो और भिगाने के बाद आप उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो टू पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो टू पार्ट्स हैं वो क्या है, आपके
सीड लीव्स हैं, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। इनसाइड द सीड कोट फ्लैसी सीड लीव्स ऑफ कॉटिलेडॉन्स आर फाउंड, फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन सीड लीव्स। ये कॉटिलेडॉन्स क्या होते हैं, सारे फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। बेबी प्लांट्स डिपेंड अपॉन द फूड इज स्टोर्ड इन द सीड अंटिल इट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स। मतलब जब एक न्यू प्लांट, लिटिल प्लांट क्या करता है, बोन करता है, तो वो किससे ये फूड एब्जॉर्ब करता है, अपने दोनों कॉटिलेडॉन्स से एब्जॉर्ब करता है। द बेबी प्लांट एम्ब्रियो, जब हम उस बेबी प्लांट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, लाइज बिटवीन द कॉटिलेडॉन्स, इट कंटेन बेबी रूट एंड बेबी सूट। कॉटिलेडॉन्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, और ये कॉटिलेडॉन्स क्या करता है, बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सीड लाइक ग्राम, पी एंड बीन्स हैव टू कॉटिलेडॉन्स एंड आर कॉल्ड डाइकोट सीड। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाइकोट सीड, मतलब उसमें दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कॉटिलेडॉन्स होता है, यानी हम उसको बोलते हैं मोनोकॉट। यानी जैसे आप देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मेज, वीट एंड राइस, ये कैसे सीड है, मोनोकॉटिलेडॉन्स हैं, यानी इसमें सिर्फ वन सीड कॉटिलेडॉन्स होता है, और डाइकॉटिलेडॉन्स में मतलब दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू।